एक बार सुनिए, अरे मैं क्या करूँ, मेरी नाम क्या गुंडागिरी करता हूँ, क्राइम खत्म, सारे क्राइम खत्म हो गए, सारे रेप कहाँ पहुँचा है, क्राइम कहाँ पहुँचा, गुंडाराज खत्म करा है, नहीं बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, गुंडागर्दी और चरम सीमा पे। देखिए कि मैं 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, अरे ये गरीब नहीं है जो 80 करोड़ खाते हैं, बच्चे ये काम करते हैं ना, इनमें इनको अभी रोजगार बताते हैं, हमने हमारे हिसाब से तो 2 पैसे का काम नहीं है, हिंदुस्तान बिल्कुल गरखम जा रहा है, इससे गरीबाई खत्म हो जाएगी, सुनो इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, लोग घर है दारू और पीते, 1000 रुपया फ्री फंड के मिल गए, सब दिए दे रहे हैं, नौकरियां कहाँ है, नौकरियां तो इन्होंने छीन ली, सब ले ली नौकरियां, वहां के तरह रहेगा वही अधिकारी, वही नेता, वही कर्मचारी, सब हो रही है, विकास क्या करेगा, नाम से विकास नहीं होता है। साइकिल पर सवार है, 2022 में चुनाव है, हाँ साइकिल लहर मानी जा रही है, हाँ क्या लगता है योगी जी ने बढ़िया किया है, साइकिल आएगी, साइकिल आएगी 100% आएगी, हाँ 100% आएगी, साइकिल आएगी, हाँ बिल्कुल, क्या बता, महंगाई देखिए आप, पेट्रोल डीजल से लेकर के आप, पेट्रोल डीजल है, सरसों का तेल देख लीजिए कहाँ जा रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए मुझे, कह रहे हैं यूपी में गरीब है ही नहीं कोई, गरीब नहीं है, 80 करोड़ को फिर राशन कहाँ से दे रहे हैं, 80 करोड़ बताते हैं कि मैं 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, अरे ये गरीब नहीं है तो 80 करोड़ कहाँ से है बताइए मुझे, गरीब नहीं है तो 80 करोड़ को राशन कहाँ से दे रहे हैं। और आज योगी जी लखनऊ विधानसभा में बोल रहे थे, कह रहे हमने 40 लाख आवास दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, रोजगार दिए, लोगों की जीविका बचाई है, हमने जीवन बचाया है, जी कुछ नहीं दिया, केवल बातों बातों से दिया है, कितने रोजगार दिए, कितनी नौकरियां दी आप बताइए, 3 करोड़ रोजगार दिए, कुछ नहीं दिया, ये जो बच्चे ये काम करते हैं ना, इनमें इनको भी रोजगार बताते हैं, और ये जो प्रधानों के नीचे वो क्या करते हैं उसको मनरेगा वाले, उनको अभी नौकरी बताते हैं, मनरेगा वालों को उनको संभालते हैं ये लोग। उम्र कितनी होगी आप? उम्र 75 है। 75 साल की उम्र हो गई? हाँ जी। और अभी कुछ दिनों पहले 75 साल हो गए हैं आपके स्वतंत्रता दिवस के, देश की आजादी के, जी हाँ है ना, तो मतलब आपकी जन्म 1947 का है। हाँ तो एक बात बताइए, अभी मोदी जी लाल किले से बोले हैं कि जन जन का आशीर्वाद मिलेगा, बीजेपी दोबारा यूपी में आएगी, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आप जैसे बुजुर्गों से बीजेपी आशीर्वाद लेगी, तो आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों भाई? बिल्कुल नहीं देंगे, वो तो कह रहे हैं आप जैसे हमारे हिसाब से तो अच्छा चाहिए, जिसको अच्छा लग रहा है वो दे, हमने हमारे हिसाब से तो 2 पैसे का काम नहीं है, हिंदुस्तान बिल्कुल गरखम जा रहा है, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? ठीक है, उनका सोच है, क्या है क्या नहीं है, इसके नामों के बारे में हमसे क्या मतलब है, हम तो अपने रोजगार, काम, नौकरी, भाई आप प्राइवेट सेक्टर में सब दिए दे रहे हैं, नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियां तो इन्होंने छीन ली, सब ले ली नौकरियां। अच्छा एक बात बताइए, मतलब नाम बदलने से क्या पता, नाम बदलने से जो विकास रुका हुआ है वो विकास ऊपर निकल जाए? कुछ नहीं होगा, वहाँ के तरह रहेगा वही अधिकारी, वही नेता, वही कर्मचारी, सब हो रही है, विकास क्या करेगा, नाम से विकास नहीं होता है ना। और मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, अब वो सोचे वो क्या क्या बदल देंगे, समझे भैया? पुरुषों के नाम पर रखा गया है, देखिए अलीगढ़ का नाम यदि बदला है तो अभी लोकल स्तर पर बदला है, इसको बदलने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, 2 बार से लेजिस्लेटर पास होगा। आपको क्या लगता है नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? नाम बदलना महापुरुषों के नाम पर रखा गया है, जो सरकारों ने समय समय पर अपना यूज किया है वो उनका उचित निर्णय है। देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उसको विकास पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए या नाम बदलना चाहिए? गवर्नमेंट अच्छा कार्य कर रही है, गरीबों को 2-2 हजार, 1-1 हजार रुपया जलवाई जा रही है, प्रधानमंत्री अन्न योजना, गरीबाई खत्म, इससे गरीबाई खत्म हो जाएगी, सुनो इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, लोग घर है दारू और पीते, 1000 रुपया फ्री फंड के मिल गए, एक महीना क्या गुंडागिरी खत्म हुई, क्राइम खत्म, सारे क्राइम खत्म हो गए, सारे रेप कहाँ पहुँचा है, क्राइम कहाँ पहुँचा, खत्म क्राइम खत्म हो गए, भाजपा ने सबसे ज्यादा गुंडा राज खत्म करा है, भारत वर्ष में पूरा गुंडा राज। एक बार सुनिए, अरे मैं क्या करूँ, एक मिनट सुन रहे, इनको रोको, अरे सुन तो लो, अरे मैं ये कह रहा हूँ, 125 आदमी, 170 आदमी मरा दारू से, पहली सरकारों में कभी मरा है, मुझे बताइए। वो कह रहे गुंडे माफिया जो होते हैं ना, वो सब्जी बेचते नजर आ रहे, वो इनके ही पिल्ले थे जो
बेच रहे थे वो सब इनके पिल्ले थे, नहीं बसाए गए थे भाजपा ने, नहीं बसाए वो सबके पिल्ले थे। संपत्ति जब्त करी गई है सारा कुछ नहीं, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, गुंडागर्दी और चरम सीमा पे। देखिए 100 रुपए पुलिस लेती थी उस समय, छोड़ देती थी, चालान होता था 600 लेती है, खूंटा ठोंक देती है पुलिस। 600 रुपए लेती है, क्यों नहीं लेती, कहाँ 5 साल सब जगह देखिए आप, न चालान करवा, गाड़ी खड़ी कर दो भाई, कहाँ नहीं है मुझे बताइए आप कहाँ। तो ऐसे बीजेपी वाले भाई आप इतने नाराज लग रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि यही जनता, यूपी की जनता इस बार 300 साढ़े 300 कमल के फूल खिलाएगी। इन्होंने ममता ने, ममता के यहाँ भी कहा था बंगाल में भाई, ममता कहा था कि 350 देंगे, कितनी आई आप ये देख लो, बताओ भाई कितनी आई बंगाल में बताओ क्या बंगाल नहीं, पहले जो जितनी सीट भाजपा की थी अब जो इलेक्शन हुआ था उससे कहीं ज्यादा अधिक सीट आई थी। क्या होता है भाई, ज्यादा क्या होता है, 350 का वादा कर रहे थे, अगर 60-70 सीटें आ जाए तो उसमें क्या है, ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तमाचा मारो खाओ। में कितनी आ रही है यूपी में, कितनी आ रही है यूपी में, कुछ नहीं जा रहा, अब जा रहा 60-70 सीटें आएंगी, लेकिन आप बता रहा हूँ किसान इतना नाराज है इनसे, ये किसान नहीं है ये क्या जानते हैं, ये किसान उनको मानते नहीं है, तो गोदाम बनने के लिए बंगाल में बनाए हैं। आप अभी हम अलीगढ़ में मौजूद हैं, आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं जी, अलीगढ़ की जनता बीजेपी को कितना प्यार करेगी, कितना वोट देगी, बिल्कुल नहीं देगी। मैं किसान पर कुछ किसान नहीं है, कुछ कोई किसान नहीं है, किसान हम हैं, हमारे पास 40 बीघा जमीन है, किसान हैं हम, समझे, बताइए किसान को कहाँ दोगुनी आय होगी, किससे दोगुनी आय होगी। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर मेरे को, 10 में से 2 नंबर है, सवा 2 बस, केवल